हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाली गाइस। तो फाइनली मीसम अब्बास भाई का भी न्यू मनकबत रिलीज हो गया है 13 रजब के हवाले से, जिसका टाइटल है पढ़ ना दे अली, पढ़ ना दे अली। एंड इस वीडियो में मीसम अब्बास भाई ने उनके जो दो बेटे हैं उनको भी फीचर कराया, जिनका नाम है यूसुफ और यूनस। तो लेट्स सी, पहले अपन इस मनकबत को सुनते हैं, उसके बाद जो भी ये बात करेंगे ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी ये बात करेंगे। तो चलो देन, बल्ब जला दिया जाए, लिटरली स्टार्ट करते हैं। सेटेड बाय मीसम अब्बास। शाम का टाइम, जंगल पहाड़ करते हैं, काफी अच्छा लुक लग रहा है मीसम अब्बास भाई का, बहुत प्यारा। नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल कुशा दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली ना दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली। जिसने लिया है जिसने लिया है नाम अली उसकी मुश्किल टली, पढ़ ना दे अली ना दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली। इनका घर है दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली। मायूसियां हैं कैसी, दिल क्यों उदास है, एक वसीला रब का अपने जो पास है, एक मशवरा सुन ले मेरा, हम ना होगा कोई ही। पढ़ ना दे अली ना दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली का। दुनिया की चाहत अपने दिल से निकाल दे, दिल में बसा उसे जो हम तेरे टाल दे, तेरा नबी तेरा नबी अल्लाह भी बोले तुझसे यही। पढ़ ना दे अली ना दे अली पढ़ ना दे अली, बहुत सुकून भरे अंदाज पढ़ा इसे, ना दे अली पढ़ ना दे अली ना दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली पढ़ ना दे अली। मेरे मौला अपना मेरा
तेरे सिवा कोई नहीं मुश्किल कुशा। मशरिक मगरिब मक्का व नजफ, बस तू ही तू है चार तरफ। दर दर भटकने वाले एक बात सुन जरा। दर दर भटकने वाले एक बात सुन जरा। नादे अली से बेहतर कोई नहीं दवा। काले कजा बांटे सिपा एक दिन तू भी कभी पढ़ना। दे अली नादे अली पढ़ना। एक बात कह दूं तुझसे क्या तुझे कबूल है। नादे अली को पढ़ना सुन्नते रसूल है। कौले नबी है बस यही बिगड़ी बन जाएगी। पढ़ना दे अली नादे अली पढ़ना। सारे मलंग लगाए नारा लजपाल का। सारे मलंग लगाए नारा लजपाल का। नौबत बजे तो आए लुत्फ धमाल का। लाल सखी और बुवली बोले सब ही यही। पढ़ना दे अली नादे अली पढ़ना दे अली पढ़ना दे अली पढ़ना दे अली नादे अली पढ़ना दे अली पढ़ना दे अली पढ़ना दे अली। नादे अली से पहले नादे अली के बाद। नादे अली से पहले नादे अली के बाद। ऐसा वजीफा कोई क्या है किसी को या। मैदान जंग या दिल हो तंग आए जो भी घड़ी। पढ़ना दे अली नादे अली पढ़ना दे अली पढ़ना दे अली पढ़ना दे अली नादे अली पढ़ना दे अली पढ़ना दे अली पढ़ना दे अली। घर में खुदा के लोगों जिसका ज़हूर है। काबे की दीवारों शऊर है। शक हो गई दीवार भी सुन के नामे अली। पढ़ना दे अली नादे अली पढ़ना दे अली पढ़ना दे अली पढ़ना दे अली नादे अली पढ़ना दे अली से पयंबर अली अली। हसनैन का बाबा अली अली। मौलूदे काबा अली अली। भटको तो सहारा अली अली। डूबो तो किनारा अली अली। नबियों ने पुकारा अली अली। ईमान हमारा।
बस हैदर हैदर कहता जा, 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 बस हैदर हैदर कहता जा। झूले लाल कहने वाले मौला के संग है, मीसम की तरह मजहर अली के मलंग है, ता जिंदगी ये विर्द भी हम ना भूले कभी, पढ़ना दे अली ना दे अली, जिंदगी का बात है यार, क्या बात है, क्यों बैठे हो दास, पढ़ो ना दे अली, बहुत awesome, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा इसका ऑडियो स्टूडियो कराची से ही है, दैट्स इट। ये जो प्रॉपर लोकेशन था ये क्या इनके घर के पास का था क्या? बहुत बहुत प्यारा ये कलाम था, बहुत ऑसम ये कलाम था, जिस अंदाज में इसे पढ़ा है ना बहुत सुकून भरा अंदाज था। पढ़ ना दे अली, क्यों बैठे हो बेचैन, क्यों बैठे हो उदास भैया, तुम्हारे पास भी तो है ना रब का एक वसीला। बहुत सिंपल सी बात है, जब तुम्हारे पास रब का वसीला है तो क्यों उदास, क्यों बेचैन बैठे हो। पढ़ो ना दे अली, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल ये प्रेयर है। कभी भी तुम तकलीफ़ में हो, कभी भी कोई मुसीबत में हो, बस मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम ले लो, ना दे अली पढ़ लो, सारी मुश्किल तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, सारी मुश्किलात से तुम्हें निजात मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, लाइक ये पूरे मनकवत के अंदर मीसा अब्बास भाई वही मैसेज दे रहे थे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नादे अली अपनी लाइफ में, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से ये पेड़ भी कह रहे हैं, पूरी पर्वत कह रहे हैं, इवन अल्लाह हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, सब ने भी यही कहा कि भैया पढ़ ना दे अली। बहुत सिंपल सी बात है, बनता है पढ़ना, कितनी बड़ी तकलीफ़ में हो, प्रॉब्लम में हो, हर तकलीफ़ से हल मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये था ये पूरा मनकबत, लाइक इस पूरे मनकबत के अंदर में इंपॉर्टेंस बताई जा रही है नादे अली की। एंड वीडियोग्राफी की अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा इसका वीडियोग्राफी था, प्रॉपर जिस तरह से ये इन्होंने पूरा वो ड्रेसिंग थी इनकी, गले में जो वो प्रॉपर उन्होंने जो लॉकेट पहना था उसका मतलब क्या था वो मुझे बताना, बिकॉज मुझे थोड़ा पसंद है। मैं कभी मनकबत सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ किस तरह से उन्होंने पूरा ड्रेसिंग करा हुआ है, क्या उन्होंने पहना हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, मीनिंग क्या है, मैं जानते रहता हूँ लिटरली। तो मुझे बताना उनके गले में जो वो लॉकेट टाइप था उसका मतलब क्या है। यहाँ पे बैच लगा था पंजतन का, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। उनके जो दो बेटे थे यूसुफ अब्बास नकवी एंड यूनस अब्बास नकवी, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। देखा ना तुमने, गौर करा ना, मेरे ख्याल से इन्होंने शायद मेरे ख्याल से अपने घर के पास ही सब कुछ शूट उट करा है, घर के करीब ही वो जो हाउस दिखाया है वीडियो में, आई गेस उनका घर था जहाँ पे सिर्फ मीसम अब्बास एंड उनके दो बेटे एंड बीच में एक लेडी भी आई थी, आई गेस मेरे ख्याल से इनकी फैमिली की होगी, मुझे नहीं पता कौन थी। तो यस, पूरी वीडियो के अंदर बस यही चार लोग दिखाए गए इस वीडियो के अंदर में, पूरा लाइक इसी में शूट करा गया है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये इनका घर ही होगा, मीसम अब्बास का, मेरे ख्याल से वहीं पर पूरा शूट उट करा है मेरे ख्याल से इन्होंने, है ना, उनके प्रॉपरली पूरे घर के करीब में जो प्रॉपर आंगन है वहाँ पे, जो प्रॉपर फॉरेस्ट वगैरह वहीं पे आई थिंक मेरे ख्याल से शूट उट करा है। बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते मीसम अब्बास भाई। बहुत अच्छा शूट करा, बहुत अच्छा लोकेशन था, बहुत अच्छी तरह से पूरी वीडियोग्राफी बनाई गई है, पोएट्री लेवल मुजर अबीदी सर की, बहुत नेक्स्ट लेवल। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा ये मनकबत था, सुकून भरा ये मनकबत था, स्लो पढ़ा, यस हाई नोट्स थे इसमें, लेकिन स्टार्ट जिस तरह से ये हुआ है ना, एंड एक ही बार में अगर तुम उससे पूछोगे ना तो ये बहुत सुकून भरा मनकबत था। पढ़ना दे अली जिस अंदाज में से पढ़ा गया ना, ये बहुत सुकून भरा अंदाज था, है ना, बहुत प्यारा, बहुत सुकून भरा अंदाज था। बड़े सारे मनकबत सुने हैं पढ़ने, अलग अलग अंदाज वाले, अलग अलग तबर्रा वाले। अभी रजा अबाजरी सर का मैंने सुना था जिसमें तबर्रा हो रहा था, भगोड़ा कहा जा रहा था भगोड़े लोग को, बहुत सिंपल सी बात है, भगने वाले भगोड़ी चढ़ेंगे ना। तो अभी इसके बाद अपन ने एक सुकून भरा मनकबत सुना है जहाँ पे नादे अली की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। मैसेज एक ही है भैया, बहुत सिंपल सी बात है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना मौला मान के चलो, बहुत सिंपल सी बात है, पहला मान के चलो। या मौला आ गया ना जुबान पे
तो फिर सब साइड हो जाते हैं, सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम दिखते हैं अपने को। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि वो वसीला है, उन्हें हम पहले देखेंगे उसके बाद हम कहीं एंट्री लेंगे। तुम कह सकते हो ना दरवाज़ा खुलेगा तभी तो एंट्री लेंगे ना, तो वो दरवाज़ा है। बहुत सिंपल सी बात है, दरवाज़ा खुलेगा उसके बाद ही सब दिखेंगे। सिंपल सी बात है। तो या दैट्स इट, आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी एंड सबके मन के बात आ गए, बस नदीम सरवसर के मन के बात नहीं आए। मैंने सुना है कि आई गेस अली शनावर की आई थिंक निकाह हो रही है मेरे ख्याल से, ऐसा मैंने सुना है। अब मुझे प्रॉपर इसके बारे में नहीं पता कितनी ज़्यादा सच्चाई है इस बात में, है ना? तो मुझे बताना कि ये सच बात है, अली शनावर की सच में निकाह हो रही है क्या? रजब के महीने में निकाह करते हैं, मैंने बहुत सुना है, बस बहुत लोग निकाह करते हैं। सही है, फिर करो निकाह, बहुत अच्छी बात है। तो यार दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लबाय क्या उसे जिंदगी ये विरद भी हम ना भूले कभी, पढ़ना दे अली, ना दे अली, पढ़ना।